ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਲੂਟ ਸੇਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਲੂਟ ਸੇਲ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਿਆ अपना विनय जी तुहानू चाहिए ने डॉक्टर अफान को सुना ना रिसेंटली वो ये कह रहा है कि एक समोसे में 400 कैलोरीज होती है कैलोरीज बॉम्ब बेच रहे हैं आप ओनू की पता हाँ वैसे ओनू की पता समोसे तो पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं और भाई साहब यूके में आपको पता है कि लोग अब स्नैक्स की बजाय और कुकीज की बजाय समोसे खाने को प्रेफर कर रहे हैं आपके समोसे में है क्या कीमा है आलू है नूडल्स है चॉकलेट है क्या है मेरे को आलू वाले समोसे भी है ने एक बंदा आलू वाले समोसे लेके गया है इससे हाँ जी खान तो 15 मिनट बाद आके फिर मुंह ते आलू पा के भी गए अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम भाई साहब जरा फटाफट समोसे दे दो 300 रुपए दे दो 300 की है तू मुंह च पा के खवाने ने मेनू फट 200 रुपए दे दे मेनू जल्दी का टाइम नहीं है 200 रुपए दे मिनट ला ए लो क्या बात है लिया 300 बकाया दे क्यों ओए 500 तेनू देता 300 ते बकाया दे ओए जाली नोट ए केड़ा असली ने प्यो दा पुत्र है ते खा अपना सामान आप खा के वहा लिया 200 रुपया फड़ा इधर खाया हुआ समोसा भी ले लिया इन्होंने 500 एडवांस फड़ो जो मेरी तबीयत खराब हुई मैं तुहाडे को भी आना जी ए शलजम किवें ने 80 रुपए किलो एडे महंगे को लाए हो बड़ी दूरों लेके आई दे ने ओए उठो आंदे आंदे तू कस गए मैं लगदा गल कर रहे हो कि अकल करो तुसी दोवे एक दूसरे नु जफी पाओ शायद कोई सही निकल आए विचो कमाल हो गई किलो पा दे किलो पै गए जी एक गोभी भी पाओ वे जल्दी करो जरा हेलो जी हेलो ए दो खीरे रखो हुण दुकानदार ने वेखो जिहड़े जिहड़े आपने ओड़े ओड़े छापर रखे ने धनिया दे धनिया ओए धनिया ना ले क्यों तू पहले एंट्री काफी ठंडी की थी हकीम फटाफट ये इलाज तो समझ आ रहा है ये तसल्ली बख्श तरीका कौन सा होता है इलाज का उसे समझ रहे हो कि हिकमत बड़ा आसान काम है तो आप कौन सी मुश्किल काटते हैं इसके लिए बड़ा जान जोखिम का काम है अच्छा ये तुम एक दवाई हरल करनी पवे उसके बाद खरल करनी पवे फिर तुम पता लगे हरन और खरन ये किसी कास्ट का नाम है हरल बूटी का नाम है तो रगड़ रगड़ के खरल मुड़ के ऐस बच्चे जिना रह जाते फिर जाके कितने सफू बनता है वो खरल बूटी कहाँ से लेता है ये मेरी दुखदी हुई हिकमत ते हाथ रख देता है मैं बूटी लभन लई टुर गया श्रीलंका दे जंगलां च बूटी 5 साल तक मैनू ओ बूटी नहीं मिली मैं बूटी दा पीछा कीता है क्या लंबी लंबी छोड़ रहे हैं आप ये पौधे का पीछा कौन करता है वीना जी कुछ बूटियां ऐसियां ने दुनिया जहान होते कि सिर्फ ओ दुनिया ते 3 सेकंड ली या 4 सेकंड ली आंदियां ने और उसके बाद ओना ते सूरज दी छवा पै जे उसे वेले मुरझा जांदी हकीम ए कोई शादीशुदा बूटी है इंसाफ अख दे लाले चेक करो हां पुत्र की वजाई पता ही नहीं हकीम साहब एक दिन माज नु कोनी मारी 8 महीने इस कोनी ते मेरे कोलो पट्टी कराई पर मुझे आप कोई ठीक वाले हकीम नहीं लग रहे खानदानी हकीम हां साडे दादे परदादे ने बादशाह मां तक दा इलाज कीता है कौन कौन से बादशाह का इलाज किया आपने महमूद बेगड़े दा ना सुने वो जो बहुत ज्यादा खाना खाते थे जेड़ा खाना खांदा सी जेड़ा किलो किलो जहर खा जांदा सी हां ते उन कुछ नहीं सी हुंदा जद ये 4000 बीवियां सन वाह महमूद बेगड़े नु एक बारी जहर आपने दिया रिएक्शन कर गए ओ अच्छा उन्होंने अपने चौबदार पेच के मेरे परदादा नु करो उठवा लिया दुनिया कठी हो गई अच्छा मजमा लग गया नोबता बज गया क्या बात ते मेरे परदादा हजूर महमूद बेगड़े दा इलाज कर लगे ने वाह इंज करके पटारी खोली विचो सब पीर निकलया पहली बार महमूद बेगड़े ने क्या सी ओए कड्डो जेड़ा सब कड रखी कहां गया था सांप मेरे परदादा जी सब पे लाहौर ही भूल गए परदादा जी दे मत्थे उत्ते शर्मिंदगी दा पसीना आया परदादे ने पीछे मुड़ के वेख्या ते सब इत्थे खलोता सी अच्छा उन्हें कहा तुसी मैं लाहौर ही छड़ा है मैं पीछे पीछे आ गया मैं तुहाडे पीछे पीछे आ गया वहां उसके इलाज सांप से किया फिर क्या जहर नु जहर कटदा है तो सांप फिर उसको लड़ाया कैसे आपने इधरो सब महमूद बेगड़े दे सामने आया अच्छा। महमूद बेगड़ा सप दे सामने आया ओहो ए ओथे गल इसी के सप सप दे सामने आ गया मैं दुआ तो सदके जावा मैं दुआ तो सदके जावा सोने नु बेगड़ा मुबारक ए महमूद बेगड़े नु सप ने डंग मार रिया है अच्छा महमूद बेगड़ा ठीक हो गया और सांप सब भी ठीक हो गया माशाल्लाह सप ने 2000 शादी की थी आपके दादा ने भी लोगों को समोसे खिला खिला के मारे समोसा पहले तो मेरे दादा ने इसका नाम ये
सा, यानी कि इसका नाम वहां से आया और ये मेरे दादा लाए थे ईरान से। इतना बड़ा समोसा था, ट्रेन पे लाए थे। अच्छा मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, कभी आप उर्दू बोलते हैं कभी पंजाबी बोलते हैं। भाई हम लोग ना इलाके के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। वैसे बात तो इन्होंने सही की है, असल में जो समोसे का ताल्लुक है वो कदीम ईरान की सल्तनत से है। 10वीं और 13वीं सदी में अरब के जो कुक हुआ करते थे वो एक स्नैक बनाया करते थे जिसको समोसा कहा जाता था, जो कि समोसे की तरह का तीन कोने का एक स्नैक हुआ करता था और उसमें वो मुख्तलिफ चीजें भर के उसको पकाया करते थे। और पता कराओ ऐसी केड़े मुल्क दी हदूद च आ गई। हकीम साहब कोई ऐसा दसो को मेनू इलाज कि मैं समोसा एक खादा है तो मैं महीने बाद से बीमार हो गया। बावजह कटिया गाक मेरी दुकान बंद। अच्छा जी मैं हूँ टाई ला के थोड़ी दुकान पर आवं, अद्धा किलो पकौड़े दे दे। 500 रुपए दो। रोजे का महीना को खुदा का खौफ करो की हो हकीम साहब, तुम गुआढ़ी हो, इन्हों समझाओ थोड़ा जहा। एक तो हुकूमत ने अनाउंस किया है हाँ जी कि बाजार में जाके आप रेट लिस्ट देखें, कोई भी दुकानदार ज्यादा कीमत पे चीजें बेच रहा हो ना तो उसको सजा होगी। तो ये जो खराब चीजें आप लेते हैं और आपकी तबीयत खराब होती है, आप कंप्लेन करते हैं? ओ वीना जी तुसी चंगे भले पढ़े लिखे क्वालिफाइड हो, तुसी ये दसो इना कोलो को चीज लईए, गवर्नमेंट दा रेट लाए ने, ये अपने रेट ला के बैठे ने, तो आप कंप्लेन करे ना। आधा किलो पकौड़े दो। हाँ भाई ये ले 300 रुपए। ओ यार 1300 रुपए दे दो पकौड़े। भाई पेट्रोल बहुत महंगा है। ओ ये पेट्रोल च तल दे, पेट्रोल में ही तले में, चल निकल। उदो जाओगे जो थी तपश ना मेरी दवाइया चल जाएगी। मैं एक इलाज तो को कराना है। एक बीमारी का इलाज करवा रहा है, दूसरी बीमारी लिफाफे में लेके बैठा। अल्लाह देना ते खरा है ते देवो चे। एवेस्ट ने क्या हुआ? लेट होया ते पिछो दी बीवी लेन आ गई। ओ नहीं बीवी नहीं जी, ओ तो मंगन वाली है, मेनू ही मेरी बीवी बुला रहे ने। ते तू केड़ा देण वाला है, तू भी मंगन वाला ही है, तू केड़ा देण वाला है। मेरे भराडे चाडे सोने कपड़े पानी रंग लगनी शाला। हकीम साहब बड़े अजीम आदमी ने। ओ किस तरह जी? सब तो पहले फिरौन नु कढ़ाई वाला सूट इन्होंने दिता सी। मीना जी माहे रमजान विच एहो जे लोग बड़े शहर च इन आंदे ने जिवें यूरोप आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट्रैवल करके आते हैं दूर दराज से बड़े बड़े शहरों में ये मांगने के लिए। मेरा भरा को जते दे चा प्राग कुछ दवे एला मेरी पैर मेरे को प्यार इसी में तुम दे देता जा। क्यों मेरे भरा? हां जी खीर दे में अच्छे तेनु मेरे च बो आ रही जे तोडा मुंह विंगा च बैठा। बाजी ये खीर नहीं है चा, ए दही है चा। कशा दे 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 चा बाजी तू ए तू जा चा। तेन कुछ नी देना चा, ना इन्हें देना चा, ना उन्हें देना चा, किसे नु कुछ नी देना ले चा। मैं ते आप इत्थे फिरदा चा, घंटा हो गया मैं कुत्ते तरह भौंकण दिया चा, ले जा चा, जा चा। आपको कोई रिश्तेदार था? साडा कुछ नहीं लगदा चा। ओ तू ही इत्थों अपना समान चा। हकीम साहब कुछ तो देवे आचा। मेरी भैण कैप्सूल लाए, जरा जबान थले रख, हूं चुप हो गई है ना जा। अल्लाह मेरे लो ईद लाए थे जा। अरे इतने पैसे? अबे नकली तो नहीं है, देख ले। की रखे है जी? अरे मैंने समझा कुछ निकाल के खाने लगे। इधर कर दे हकीम साहब। की कर बैठा है? ये आपने क्या कुछ खा लिया आखिरकार? समोसे को समोसा लड़ गया भैन दे, दो प्लाट खा गए तो तेन तकलीफ नहीं हुई? खाना खराब दे पुत्रा, हूं मेरे को उठ के जरा मैं वॉक करके बखा, मैं वेखा पकौड़े को अपने सही मकाम ते पहुंचे के नहीं। वॉक कर दे बाहर ही निकल जा। हटे हटे हट 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 उत्तर नाहे रमजान दे विच एक बगदार दे मुताबिक अफतारी करो सहरी करो ते कोई बीमारी नहीं होंदी। हकीम साहब अजरा दवाई दो दिन दसना, मैं मरीज मार लवा अपना। खालस दूध हकीम साहब की हो गया तुम? खालस दूध लई फिरदा है, दो कैप्सूल ले ते करो दूर जाके खाने। क्यों? तेरे पाटन दा अंदेश है। मुझे आप एक बात बता, आप एहतियात क्यों नहीं करते माह रमजान? तेरे सामने हर शय अगे पई होवे
ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਸੂਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਕੇ ਵਕਤ 10,000 ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗੀ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਟੀਆਂ ਲੋਕ ਨੇ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ 10,000 ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਆਪਕੇ ਸਮੋਸੇ ਮੇਂ ਐਸੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ 10,000 ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪ ਜਾਦੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਾਦੂ ਜਾਦੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਯਾਰ ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੀਰਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋ 2-3 ਦੇਗਾਂ ਸੀਰਪ ਦੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ ਸੀਰਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ ਆਲੂ ਲੈ ਟਿੰਡੇ ਲੈ ਗੋਭੀ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਆਲੂ ਲੈ ਟਿੰਡੇ ਲੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਤੀਮ ਸਾਹਿਬ ਯਤੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਮ ਫਟਾਫਟ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ 2,000 ਹੀ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਮੇਰਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਣ ਇਹ ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਨੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾ ਔਰ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਐ ਮਹਤਰਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ उनको तो इंस्टेंट रिलीफ चाहिए ना आप ठहरे हकीम लंबा इलाज चलेगा आपका मैं इतने 2 मिनट तो ज्यादा पेशेंट नु नहीं बैठने देना इतनी देर से बैठा है अंदरों अंदर ही नस चुका है लेकिन अपने वजन की वजह ने नसिया नहीं मैनू बांदर नजर आ रहे मैं तुहानू किन्नी वारी क्या जदों मेरे को पेशेंट आवे ओए थल्ले बह जा करो ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਮੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬੇਟੇ ਡੂ ਮੋਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਕਿ ਹਕੀਮ ਫਟਾਫਟ 5G ਏ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਕੀ ਬਾਬਾ ਚਲਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬਨ ਕੇ ਜਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕੱਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਰੱਖਣਾ ਲੈ ਜਾ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਾ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੀਰ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਰ ਕੈਸਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਮੁੱਛ ਰੱਖ ਲਈ ਚਲੋ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਫਾਈਨਲੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਬਾਜੀ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦਹੀਂ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡਮ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰਡ ਇਸ ਗਾਰਡ ਲਈ ਵੀ ਕੋ ਗਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਵਾਈ ਦੇ ਚਾਮੂਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਭੀ ਦਾ ਗੋਭੀ 150 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋ ਸਿਗੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਜਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੈਣ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਤੋ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ ਹੂੰ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਜੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹਮ ਕਿਸੇ ਸੇ ਤੁਮ ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਗਾਰਡ ਓਕੇ ਮੈਡਮ अरे ये टाइम पास करने आते हैं लेना वेना कुछ नहीं होता वीना जी डबल ट्रिपल रेट लगा के बैठे कौन लेगा अरे वीना जी पीछे से इतना महंगा माल आ रहा है करें क्या हाँ भाईजान समोसे पकोड़े ताजे लेते 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 ऐ मुंडा तो सब्जी वाले तो अडेल मंगया नहीं कर कर दियो के हिसाब आउने एक मिनट भाई हाँ जी क्या नाम है आपका सर मेरा नाम बशीर अहमद ठीक है रेट लिस्ट दिखाइए रेट लिस्ट तो रेट लिस्ट तो नहीं है ये तो अच्छा रेट लिस्ट नहीं है आपका क्या नाम है जी मेरा नाम है जी मुनव्वर देखो मुंह तो कितना हनेरा है नाम मुनव्वर आपके पास भी नहीं होगी तुम्हारे पास है भाई चेकिंग हो रही है अच्छा बच्चा रात गया से किससे जी अच्छा समोसा कैसे दे रहे हैं अच्छा पहली बात तो ये गाहक हो सावना बनो टोन ठीक करो ये है 150 रुपए का एक समोसा लेना है तो लो नहीं तो घर जाओ अच्छा 150 का समोसा जी जी ये आलू वाला है हाँ जी अच्छा जी इसका क्या रेट है ये 350 रुपए पाओ सब्जियां भी महंगी बिक रही हैं और यकीनन दूध भी महंगा बिक रहा होगा सब कुछ महंगा है जनाब इतना महंगा है बड़ी बेईमानी करते पे ने कसूर आप लोगों का नहीं है किसका है कसूर हम लोगों का भी है हमसे मुराद अवाम नहीं नहीं अवाम नहीं कौन आपको पता है असल कसूरवार कौन है कौन है हुकूमत और ये लोग है हम क्यों हो गए भाई अच्छा पिस रहे हैं अवाम और हम जैसे सरकारी मुलाजिम सरकारी मुलाजम जनाब मेरी जगह बैठो नहीं बैठिए बैठिए बैठिए
हुकूमत एक रेट देती है ये उससे तीन गुना ज्यादा बेचते हैं। बिल्कुल सही, 30 रुपए का है ये, 30 रुपए का है और ये 50 रुपए पाव है। तो जो पहले लोगों को 150-150 का बेचा है तब शर्म नहीं आई तुम लोगों को? दुब भरना चाहिए तेनू अपने तेल विच। 100 रुपए किलो दूध ले जाओ जितना दिल कर। कैसे एक मिनट में सीधे हुए? आप लोगों ने इन्हें ढील दे क्यों रखी है? ढील हमने नहीं दी वीना जी। किसने दी है? असल में हम लोगों की तादाद कम है। आपके इस प्रोग्राम के तवसुत से एक छोटा सा मैसेज हुकूमत को देना चाहता हूँ कि जितने भी बेरोजगार नौजवान है इस मुल्क में उनकी एक टीम बनाए। हाँ, जैसे पिछली हुकूमत ने टाइगर फोर्स बनाई थी माह रमजान के दौरान, उन्होंने चेक इन बैलेंस रखा था। हुकूमत को एक पोर्टल इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए और जो असल में हकदार लोग हैं उनकी माह रमजान के दौरान मदद भी होनी चाहिए और उनको सस्ता राशन और आटा चीनी दालें वगैरह भी मिलनी चाहिए। आपने बात की टाइगर फोर्स। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना टाइगर फोर्स हो, ना नून फोर्स, ना पीपल्स पार्टी फोर्स, तो फिर कैसे सब सीधे होंगे? एक पाकिस्तान फोर्स बनाए। वाह 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 वाह। उनको थोड़ा सा स्टाइपेंड दे दें, इतने से पैसे दे दें। हाँ। वो हंस के काम करेंगे, हमारी तादाद भी ज्यादा हो जाएगी और इन जैसे लोगों से लोग बच भी जाएंगे। वाह वाह वाह, फीसा साहब क्या बात कही, वाह। इसका ये मकसद नहीं कि तुम्हारी दुकान बंद नहीं हो। नहीं मैं बंद, गंदी एक्टिंग मत करो, बंद करो ये। मैं तो तंदुरुस्ती बन रहा। आप जो तंदुरुस्ती बांट रहे वो भी मुझे पता है। अभी टीम आएगी और तुम सबको अरेस्ट करेंगे। आज तुम सबकी दुकानें सील होंगी। साहब माफी चाहते हैं, दुकान क्यों सील कर रहे हैं? आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार है। हम तो भूखे मर जाएंगे। हराम खाने से अच्छा है भूखे मर जाओ। बीना जी हमारी तो हम आइंदा कभी भी गरा फरोशी नहीं करेंगे, हमारी सिफारिश कर दे, छोड़ दे हमें। कम बख्ता पीछे आ जा, पीछे आ जा, समोसे तो जान छुट देगी, स्पीड चंदर हो जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, अगर आपने टीवी के ऊपर हमारा शो मस्तियाँ मिस कर दिया है तो यू स्टिल हैव अ चांस। आप जाएं हमारे YouTube चैनल पे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन का बटन ताकि जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। सो गो देयर एंड एंजॉय मस्तियाँ।